हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, हमने डिस्कस किया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ठीक है। और हमने उसके बाद डिस्कस किया था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। उसके सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टेशनरी स्टेट के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली हम इस पर कुछ थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर हम चार पांच न्यूमेरिकल करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पे। इसकी दो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक एप्लीकेशन को हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें काफ़ी डेरिवेशन होंगे। जो यहाँ फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पर सिर्फ हम चार पांच न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि उसका कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली एक श्रोडिंगर इक्वेशन थी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डी बाई डी टी साई। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, ठीक है। ये हमारे पास वेव फंक्शन है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी पार्ट है। यदि ये वी है जो ये सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट होगी, ये हमने डिस्कस किया था। और यदि वी स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होगी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। देखो इसके दो एप्लीकेशन हो सकती है श्रोडिंगर इक्वेशन की। पहली एप्लीकेशन क्या, देखो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें वो है हम वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी क्वांटम सिस्टम इफ वी हैव नॉलेज अबाउट द वेव फंक्शन साई एंड एनर्जी। यदि हमें साई और एनर्जी के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो हम उस क्वांटम सिस्टम का जो क्वांटम सिस्टम है वो किस पोटेंशियल में, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें एनर्जी पता है और उसकी स्टेट पता है, तो हम बता सकते हैं वो किस पोटेंशियल के अंदर है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन सी स्टेट में है, ठीक है। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये इस स्टेट में भी हो सकता है, इस स्टेट में भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में रह सकता है, तो ये अलग अलग स्टेट में रह सकता है, ये साई वन स्टेट, साई टू स्टेट, साई थ्री स्टेट, ठीक है। तो यदि हमें साई और उसकी एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, मतलब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर। इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन हमें पता लग सकती है। तो हमें वेव फंक्शन दिया, एनर्जी दिया हो, तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें भी दो केस हो जाएंगे, यदि पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं, यदि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां हमें सिर्फ वेव फंक्शन दिया होगा, लेकिन वो वेव फंक्शन आर ओ टी दोनों का केस होगा, आर ओ टी दोनों का फंक्शन होगा। और कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे वेव फंक्शन सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करेगा, वहां हमें एनर्जी भी दी होगी। जहाँ वेव फंक्शन सिर्फ स्पेस का पार्ट दिया होगा, वहाँ हमें एनर्जी भी दी होगी और वो एक कांस्टेंट होगा। जहाँ हमें वेव फंक्शन आर और टी दोनों का पार्ट दिया होगा, दोनों का फंक्शन दिया होगा, वहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, वेव पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। यदि वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, तो हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। यदि हमें जो वेव फंक्शन दिया गया है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमें एनर्जी भी चाहिए होगी, ठीक है, एनर्जी भी हमें उस जगह चाहिए होगी जो एक कांस्टेंट होगी, उस एनर्जी की वैल्यू से ही हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम वी कैन नॉट फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पर हम चार पांच क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, और उसकी जो सेकेंड एप्लीकेशन होगी वो होगी हमारे पास टू फाइंड दी वेव फंक्शन साई एंड एनर्जी ऑफ एनी क्वांटम सिस्टम फॉर डिफरेंट गिवन पोटेंशियल। अलग अलग पोटेंशियल दिए होंगे हमें, और वेव फंक्शन और हमें एनर्जी फाइंड करनी होगी, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, वो सब हम फाइंड करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे अलग अलग पोटेंशियल के लिए, काफ़ी लेंथी टॉपिक है, उसमें अलग अलग केस आ जाएंगे। इन्फिनिटी पोटेंशियल है, स्क्वायर पोटेंशियल है, ठीक है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक हाइड्रोजन एटम, वो सब भी इसमें केस में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ इस केस में हम सिर्फ पोटेंशियल पे चार पांच न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ हमें वेव फंक्शन दिया होगा और हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन का। एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कंसिडर क्वांटम पार्टिकल कन्फाइंड इन ए रीजन, एक क्वांटम पार्टिकल एक स्मॉल पार्टिकल विच इज कन्फाइंड इन रीजन 0 to a, एक्स इज इक्वल टू 0 to a, वन डायमेंशनल हमारे पास एक पोटेंशियल है जिसमें वो कन्फाइंड है पार्टिकल, और उसकी लिमिट है 0 to a, हुज वेव फंक्शन इज गिवन बाई दिस,
जो क्वांटम पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन ये है। तो हमें क्या करना है, फाइंड दी पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो हमें जो वेव फंक्शन दिया है वो स्पेस के साथ साथ टाइम डिपेंडेंट भी है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमें यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमें यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं होगी टू फाइंड दी पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, माइनस एस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर डी एक्स, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि डेल स्क्वायर को डी बाय डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जो क्वांटम पार्टिकल है वो वन डायमेंशन में है। ठीक है, साई एक्स टी प्लस वी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू, देखो एनर्जी की जरूरत नहीं होगी तो हम एनर्जी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, आई एच क्रॉस डी बाय डी टी साई एक्स टी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम यहाँ साई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी साई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ यहाँ साई की वैल्यू पुट करेंगे और वी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो क्या आएगा हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, देखो यहाँ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ साई की वैल्यू पुट करो क्या आएगा हमारे पास, साइन पाई एक्स बाय ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है, प्लस वी एक्स साइन पाई एक्स ओवर ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और यहाँ आई एच क्रॉस, देखो ये टाइम का डेरिवेटिव है तो ये स्पेस डेरिवेटिव, जो स्पेस वाला पार्ट है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वो बाहर आ जाएगा साइन पाई एक्स ओवर ए, और यहाँ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा माइनस आयोटा ओमेगा ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा साइन पाई एक्स बाई ए का होगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाय ए का क्या होगा कोस, कोस पाई एक्स बाय ए, फिर कोस का दोबारा होगा साइन पाई एक्स बाय ए माइनस का, तो यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारे पास पाई बाय ए होल स्क्वायर, इसका होगा साइन पाई एक्स ओवर ए, और माइनस एक साइन बाहर आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ये सेम रहेगा वी एक्स साइन पाई एक्स ओवर ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई एच क्रॉस माइनस आई ओमेगा साइन पाई एक्स ओवर ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब देखो ये जो साइन ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी साइन पाई एक्स ओवर ए साइन पाई एक्स ओवर ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी साइन पाई एक्स ओवर ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये तीनों ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा एच स्क्वायर बाय टू एम इंटू पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू, देखो आई एच क्रॉस माइनस आयोटा ओमेगा तो एच क्रॉस ओमेगा आई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो वी एक्स आएगा हमारे पास एच क्रॉस ओमेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ सिर्फ वेव फंक्शन दिया गया था लेकिन जो वेव फंक्शन था वो टाइम का भी फंक्शन था। ठीक है, इसलिए हम इजीली हमने बिना एनर्जी का यूज़ किए पोटेंशियल को फाइंड कर लिया। तो जो पार्टिकल है क्वांटम पार्टिकल वो इस पोटेंशियल के अंदर है, एच क्रॉस ओमेगा माइनस एच स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नेट जे आर एफ में। ठीक है, नेट जे आर एफ में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलता है पोटेंशियल पे। ठीक है, कभी ना कभी। तो अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। ठीक है, हमें एक वेव फंक्शन दिया गया है जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, और हमें देखो यदि वेव फंक्शन और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें जो वेव फंक्शन दिया गया है वो बेसिकली सिर्फ एक्स का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे इसने एनर्जी भी दी है। ठीक है, यदि ये टाइम पे डिपेंडेंट होता तो एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती, यदि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो हमें एनर्जी की वैल्यू भी दी गई है। इस एनर्जी की वैल्यू का यूज करके हमें पोटेंशियल वी एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, देखो इसको करके देखो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पहले पॉज करके इसको करके देखो आंसर क्या आ रहा है, फिर उसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, तो साई की वैल्यू ये हमारे पास, ये यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, ई की वैल्यू पुट करेंगे और हम रिजल्ट निकालेंगे। पहले देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन साई का क्या होगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर
ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ए बाहर आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, ए डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ए बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस टू एक्स अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा हमारे पास। अब दोबारा करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस टू अल्फा स्क्वायर को बाहर ले लो, माइनस टू अल्फा स्क्वायर इंटू ए पहले से ही बाहर है, टू अल्फा स्क्वायर को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें दोबारा करना है तो क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन माइनस टू अल्फा स्क्वायर इंटू ए, इसका डिफरेंशिएशन ए इंटू बी है, पहले एक का होगा दूसरे कॉन्स्टेंट मानेंगे, फिर दूसरे का होगा पहले को कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो पहले एक्स का कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्स्टेंट, माइनस एक्स का वन हो जाएगा प्लस, अब एक्स कॉन्स्टेंट रख लेते हैं और इसका कर लेते हैं, इसका क्या होगा देखो, इसका वही सेम होगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू अल्फा, इसका होगा माइनस टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस टू अल्फा स्क्वायर ए, यहाँ पे देखो इसको कॉमन ले लो, ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से ये बचेगा वन और ये माइनस आएगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, माइनस टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर है और माइनस टू है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से ई की वैल्यू पुट करेंगे और हम यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या हुआ, तो देखो इनमें से कौन सा आंसर सही आ रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, इसको नोट कर लेना, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया नोट, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस टू अल्फा स्क्वायर ए वन माइनस टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, ई है हमारे पास ई नोट है, बेसिकली एनर्जी दी हुई है हमारे पास एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम इंटू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, अब यहाँ बचा है हमारे पास माइनस टू अल्फा स्क्वायर, माइनस टू अल्फा स्क्वायर टू को अंदर हमने माइनस टू अल्फा स्क्वायर को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया प्लस फोर अल्फा टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, इसको हमने अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम। अब ये देखो ये क्या आएगा हमारे पास, एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा हमारे पास एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या आएगी फोर अल्फा टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m is equal to h cross square alpha square by m, तो ये देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड से, तो हमारे पास प्लस वी एक्स यहाँ पे है प्लस वी एक्स, तो वी एक्स क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो कौन सा आंसर सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, तो देखो नेट में बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे पास आएगा वी एक्स आएगा यहाँ से देखो क्या आ रहा है, वी एक्स आएगा हमारे पास माइनस फोर अल्फा टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर जीरो हो गया था तो वो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, टू से ये कैंसिल हो जाएगा टू, तो ये आएगा हमारे पास टू अल्फा टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम। अब देखो इसको वापस ई नोट पुट कर दो, तो एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम को ई नोट पुट कर दिया, टू ई नोट
एक अल्फा स्क्वायर एक्स्ट्रा वो बचेगा, एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा वो बचेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पे सही होगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा। तो एक पहले केस किया था हमने जहाँ पे हमें जो वेव फंक्शन था वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, जो वेव फंक्शन था वो स्पेस के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, वहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी। यहाँ हमें वेव फंक्शन दिया लेकिन वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमें एनर्जी की वैल्यू भी दी गई है, तो हमें बस सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है और एक बार डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करना है, बस सिंपल है, उसको मैथमेटिकल करना है और उसके बाद हम आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। यहाँ देखो बेसिकली हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एंड मूविंग इन ए पोटेंशियल वी एक्स। एक टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन दिया गया किसी पार्टिकल का विच इज मूविंग इन ए पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमें पोटेंशियल दिया है और इस वेव फंक्शन वो जो पार्टिकल है उसके लिए ये वेव फंक्शन दिया जो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है। ये जो वेव फंक्शन है टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इस वेव फंक्शन में अल्फा कॉन्स्टेंट है। हमें यहाँ फाइंड करना है एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी यह एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, सिस्टम भी कह सकते हो या पार्टिकल भी कह सकते हो। हमें यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है। पहले हमने जो दो न्यूमेरिकल किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, यदि वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट दिया हो, टाइम डिपेंडेंट दिया हो, ठीक, और एनर्जी दी हो। यहाँ हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हमें पोटेंशियल दिया गया और हमें डायरेक्ट क्या दिया गया, वेव फंक्शन दिया गया, ठीक है। तो हमें यहाँ एनर्जी फाइंड करनी है। देखो इसको करके देखो क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो इसको डिस्कस करते हैं हम, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये वेव फंक्शन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस एस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। वन डायमेंशन है, साई प्लस वी एक्स साई प्लस ई साई। हमें ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ई फाइंड करना है, ई क्या होगा, ठीक है, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो पहले ये डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसकी वैल्यू, साई हमारे पास है, ये डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखो करके देखो क्या आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, इनको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, जितना सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। यदि देख के चला गया हाँ भाई हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे नहीं, वैसे बहुत इजी लगता है देखने में हाँ बस डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ बहुत स्पीड कम हो जाएगी एग्जाम में, और उसके बाद वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत भी हो सकता है या होगा भी नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसको कंप्लीट सॉल्व करो अपने हाथ से, ठीक है, तब भी कोई फायदा है तुम्हें करने का, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, साई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस रूट एम अल्फा स्क्वायर अपॉन टू एच कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का वही आएगा सेम, एक्सपोनेंशियल माइनस एम अल्फा स्क्वायर टू एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल के जो मल्टीप्लाई में आएगा वो ये पूरी टर्म आएगी 2x के साथ, 2x इंटू माइनस, साथ में माइनस भी आएगा यहाँ पे, माइनस 2x इंटू एम अल्फा स्क्वायर टू एच कट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम बाहर निकालेंगे 2 इंटू दिस को हम बाहर निकालेंगे, माइनस 2 इंटू, देखो यहाँ 2 है यहाँ रूट 2 है तो ऊपर जाके रूट 2 हो जाएगा, तो माइनस बाहर ले लेंगे 2 एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये माइनस का बाहर आ जाएगा डी बाय डी एक्स, ये आ जाएगा यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल, वही सेम टर्म बचेगी, माइनस एम अल्फा स्क्वायर बाय टू एच क्रॉस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करने में ये टर्म सेम आ जाएगी, इसका दो बार होगा फर्स्ट और सेकंड से, एक्स का होगा तो वन बचेगा, ठीक है, और ये हमारे पास टर्म बचेगी। देखो एक्स का करेंगे तो वन आएगा,
और ये टर्म कांस्टेंट मानेंगे हम, जब एक्स का करेंगे तो ये टर्म यहाँ आएगी, लेकिन इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट आने वाली है। इसको करके देख लेना, माइनस एम अल्फा स्क्वायर बाय टू एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड केस में एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे और इसका करेंगे तो इसका सेम ही होगा, और वो हमने टर्म बाहर निकाल ली। देखो इसका एक्सपोनेंशियल का सेम ही डेरिवेटिव होगा, वो टर्म हमने बाहर निकाल ली, और एक्सपोनेंशियल के अंदर जो टर्म है उसका दोबारा होगा, और वो जो दोबारा होगा वो क्या होगा हमारे पास, देखो दोबारा करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास, माइनस एक्स टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर किया था सेम ये वाला। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन दोबारा आएगा, टू को हम वैसे ही अंदर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये एक्सपोनेंशियल ये वाले टर्म। ठीक, अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे और वी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे ई की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, इसको रफ कर देता हूँ, उसके आगे बढ़ के तो हो गया अभी नोट। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो, इसको हम पढ़ा नहीं देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये वेव फंक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए तो हम रख लिए इसको। ये आएगा हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर। रूट में है दोनों, रूट रूट मल्टीप्लाई करके वो मतलब पावर है वो हट, पावर हाफ हाफ प्लस हो गए वो वन हो जाएगी, तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एम अल्फा स्क्वायर बाय टू एच कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस वी एक्स था हमारे पास अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स। क्या था हमारे पास, साई एक्स था हमारे पास, साई एक्स की वैल्यू क्या थी, देखो साई एक्स क्या था, एक्सपोनेंशियल साई एक्स था हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये वाले टर्म सेम, माइनस एम अल्फा स्क्वायर टू एच कट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एम एच अल्फा स्क्वायर टू एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ तीनों में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तीनों में ये टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लस टू एम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, एच कट स्क्वायर ओवर टू एम इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ठीक है, ई बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आएगा देखो हमारे पास एच कट स्क्वायर, ये आ जाएगा एच कट, एक एच कट स्क्वायर बाहर जाएगा तो एच कट रह जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हमारे पास बचेगा एच कट, यहाँ हमारे पास बचेगा रूट टू एम नीचे, ऊपर बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये देखो ये क्या होगा, एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक वी के साथ भी था यहाँ, पोटेंशियल भी था यहाँ पे, देखो ये रहा, ये पोटेंशियल वाला टर्म हमने ले लिया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ये पोटेंशियल वाला टर्म भी आएगी, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। ठीक है, इज इक्वल टू ई, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो एनर्जी आएगी हमारे पास एच कट अल्फा ओवर रूट टू, तो ये एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास एच कट अल्फा ओवर रूट टू। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, खुद ट्राई करना है इसको। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही ये एग्जाम में तुमसे आराम से हो पाएगा, यदि खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे करते रह जाओगे, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दोगे बाकी क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लेंथी और प्रैक्टिस होती नहीं तो बच्चों से सॉल्व नहीं होते। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ईजिली तुम कर पाओगे इसको। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सिंपल से। देखो एक वैसे देख लेते हैं, कोई वेव फंक्शन ले लेते हैं,
और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। कोई भी वेव फंक्शन उठा लो और एक पोटेंशियल फाइंड करो, कौन सा वेव फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन ले लो। चलो एक सिंपल सा वेव फंक्शन ले लेते हैं, साइज इक्वल टू ए टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तुमने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, इस टाइप का हमने एक वेव फंक्शन लिया। देखो ये जो वेव फंक्शन है ये एक्स का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे पोटेंशियल वी एक्स। एनर्जी की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, एनर्जी ना हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन द टाइम, जो वेव फंक्शन है टाइम पे डिपेंड करे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करो, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर टू एम डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई साई को हम लिख देंगे आई एच क्रॉस डी बाई डी टी साई। इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई क्या आएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी और इंटू आयोटा के। ठीक है, एक बार और करेंगे, ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक और आयोटा के आ जाएगा तो आयोटा के इंटू आयोटा के होल स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसका टाइम डेरिवेटिव लो, इसका टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ए भी है तो यहाँ ए भी आएगा साथ में। ठीक है, यहाँ भी ए रहेगा तो डी बाई डी टी क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ साई, डी बाई डी टी ऑफ साई आएगा हमारे पास, देखो ई टू दी ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू माइनस आयोटा ओमेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो क्या आएगा हमारे पास, श्रोडिंगर इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। श्रोडिंगर इक्वेशन में एच क्रॉस एट स्क्वायर ओवर टू एम फर्स्ट टर्म ये आएगी, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ इसकी वैल्यू ये है हमारे पास टोटल ए टू द पावर ए आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाँ ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वी एक्स ए e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ साई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाले ए e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस आई ओमेगा आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये टर्म आ जाएगी आयोटा इनको आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा एच कट ओमेगा ए टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तीनों में सेम है ए टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय टू एम प्लस वी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से पोटेंशियल आएगा हमारे पास एच क्रॉस ओमेगा माइनस एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर टू एम। ठीक है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल होगा इस वेव फंक्शन से रिलेटेड, यदि हमें वेव फंक्शन ये दिया हो तो ये हमारे पास ये पोटेंशियल होगा। ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी होगी एच क्रॉस ओमेगा, ये हमारे पास एनर्जी होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में जहाँ हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता है, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन यहाँ ये भी किया है जहाँ हमने एनर्जी फाइंड की है। ठीक है, लेकिन जहाँ हमने एनर्जी फाइंड की है वहाँ हमें वेव फंक्शन भी दिया गया था, पोटेंशियल तो दिया ही था, पोटेंशियल के साथ साथ वेव फंक्शन भी दिया गया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी जहाँ पे हमें जिस पे काफ़ी लेक्चर लगेंगे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन उसमें बहुत सारे अलग अलग केस होंगे, उसमें हमें सिर्फ पोटेंशियल दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, और हमें पूछा जाएगा भाई वेव फंक्शन क्या होगा और एनर्जी क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल देगा। देखो हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया उसमें क्या था, हमें एनर्जी फाइंड करनी थी, एक हमने देखो थर्ड न्यूमेरिकल किया था आई थिंक, हाँ थर्ड न्यूमेरिकल में हमें एनर्जी फाइंड करनी थी, लेकिन हमें गिवन क्या था, हमें था वेव फंक्शन भी दिया था और हमें पोटेंशियल भी दिया था। ठीक है, पोटेंशियल के साथ साथ वेव फंक्शन भी दिया था, तो हमने एनर्जी आराम से श्रोडिंगर इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। लेकिन अब क्या होगा यदि हमें सिर्फ पोटेंशियल दिया हो, ना तो हमें वेव फंक्शन के बारे में पता हो ना हमें एनर्जी के बारे में पता, तो एनर्जी या वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे सिर्फ पोटेंशियल से। तो
तो हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे तो पहले हम वेव फंक्शन देखेंगे, कौन कौन से टाइप के वेव फंक्शन हो सकते हैं उस पोटेंशियल के लिए, और उन वेव फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रीट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। वो रिजल्ट होंगे वही हमारे पास एनर्जी होगी और वेव फंक्शन भी, और उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अलग अलग पोटेंशियल के लिए अलग अलग केस होगा, ठीक है। तो इसमें, इस वीडियो में बस इतना ही है। इसमें हमने न्यूमेरिकल किए हैं, पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। कोई भी वेव फंक्शन दिया हो, यदि टाइम डिपेंडेंट हो वेव फंक्शन तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। यदि टाइम इनडिपेंडेंट हो तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन पार्टिकल इन ए क्वांटम स्टेट, ठीक है।